हेलो फ्रेंड, मैं अर्षी गया बिहार से और आप देख रहे हैं अर्षी टेरेस गार्डन। सो फ्रेंड, देखिए मैं अपने छत पे आ गई हूँ और आज देखिए हमारे छत पे व्हील चैम्प के जैसा लौकी लगा हुआ है। एक बेल में माशाल्लाह 5-6 लौकी लगी हुई है, तो इतनी अच्छी लौकी हमारे छत पे हो रही है। मैंने ऐसे इसमें कौन सा मैजिक फर्टिलाइज़र डाला है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जो हमारे छत पे खेत के जैसी लौकी हो रही है। तो देखिए मैं अभी सब दिखाने वाली हूँ, चलिए मैं दिखाती हूँ वो मैजिक फर्टिलाइज़र। ये देखिए, ये घी निकालने के बाद जो उसका वेस्ट मलाई बचा उसका पानी है और वो एक दो दिन के बाद खट्टी दही के जैसा हो जाती है। तो देखिए ये खट्टी दही ही है और इसे मैंने एक पेंट वाला बाल्टी में सारा डालकर पतला लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लिया है और उसे वो 250 ग्राम जैसा था उसमें मैंने एक बाल्टी पानी मिलाया और जितना भी हमारा लौकी का बेल है मैं सब में वो डब्बे से एक एक डब्बा डाल रही हूँ। बस यही मेरा मैजिक फर्टिलाइज़र है और हमारे छत पे खेत के जैसा लौकी हो रही है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी ऑर्गेनिक लौकी हमारे छत से निकल रहा है। फ्रेंड्स देखिए बहुत अच्छा है। इसकी हार्वेस्टिंग मैंने आप लोगों को रेगुलर दिखा रही हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन दो दिन दिखाती हूँ। मैंने अभी भी हमारे छत पे बहुत सारी लौकी लगी हुई है और देखिए हर बेल में मैं एक एक डब्बा पानी डाल रही हूँ। तो ख़ास करके ये पानी मैंने लौकी के बेल में ही डाला है और इससे बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है लौकी में और अभी भी हमारे छत पे बहुत सारा लौकी लगा हुआ है। और भी मैं फर्टिलाइज़र रेडी की हुई हूँ। देखिए ये ऑनियन का छिलका का बना हुआ पानी है, इसे दो दिन से इस ऑनियन का छिलका इसमें डाली हूँ, प्याज का छिलका, और वो पानी रेडी की हूँ। ये पानी फ्लावर के लिए बहुत ही अच्छा है, फ्रूट्स में भी, वेजिटेबल में भी अच्छा काम करता है, मिर्ची वगैरह में बहुत ही अच्छा काम करता है। और ये देखिए मुनगा का पत्ता, नीम का पत्ता और वर्मी कंपोस्ट मिला हुआ पानी है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है पानी। और हमारा जो भी वेजिटेबल है बहुत अच्छे से सर्वाइव होता है। देखने के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।